कलम ने प्रोज इरेशनल नंबर वाले सम किए थे, आज और भी थोड़े सम उसके करते हैं। लाइक लिखो कभी प्रोज है, कल कंटिन्यूटी नंबर थे, इसके बाद में नंबर लिखोगे कभी 10 रूट 2 प्लस 7 रूट 3। अब ये नंबर इरेशनल है, ऐसा हमें प्रूव करना है, बराबर है। तो चलो सबसे पहले क्या लेंगे, लेग x इज इक्वल टू 10 रूट 2 प्लस 7 रूट 3 इज अ रेशनल, देयरफॉर अब क्या लेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू, चलो मैंने क्या बोला था, दोनों में जो स्मॉलर नंबर हो उसको लेफ्ट साइड में ले जाना था। आपको पता कैसे चलेगा ये दोनों के अंदर स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो दोनों का स्क्वायर करके चेक कर लो। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 100 टू जा 200, इसका स्क्वायर करो 7 का स्क्वायर 49, 49 3 जा 147, यानी कि 7√3 स्मॉलर नंबर है। तो देयरफॉर x माइनस इसको ले जाएंगे 7√3 इज इक्वल टू 10√2 इज अ रेशनल। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर x माइनस 7√3 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू 10√2 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज अ रेशनल। चलो इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 7√2 जा 14√3x प्लस इसका स्क्वायर करो, देखो 7√2 जा 14, 2 ab का 2 यानी 7√2 जा 14√3x इसका स्क्वायर करो कितना होगा, 49√3 जा 147 इज इक्वल टू 200 इज अ रेशनल। चलो अब 147 को ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 14√3x इज इक्वल टू 200 माइनस 147 इज अ रेशनल। चलो x स्क्वायर को ले जाएंगे तो माइनस 14√3x इज इक्वल टू 53 माइनस x स्क्वायर इज अ रेशनल। चलो इसको ले जाएंगे माइनस 14x, देखो माइनस वाला जा रहा है इसकी साइन चेंज हो जाएगी, देयरफॉर रूट 3 इज इक्वल टू 53, सॉरी क्या लिखेंगे भाई, साइन चेंज हो जाएगी माइनस वाला प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 53 अपॉन 14x इज अ रेशनल। बट लास्ट में क्या लिखेंगे, रूट 3 इज अ इरेशनल, देयरफॉर क्या बना भाई हमारा आंसर, 10√2 प्लस 7√3 इज अ इरेशनल, क्लियर। चलो और एक सम करो आप लोग, कल रूट टू प्लस वन किया था, अब करना है हमें रूट थ्री प्लस वन। चलो प्रूव है रूट थ्री प्लस वन इज अ रेशनल, चलो कर पाओगे, करो कल किया था हम लोगों ने। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेग x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 इज अ रेशनल। चलो किसको ले जाएंगे रूट 3 को, देयरफॉर x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 1 इज अ रेशनल। चलो अब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, x माइनस रूट 3 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1
ब्रैकेट बार स्क्वायर इज अ रेशनल. चलो एक्सपेंडिशन करें तो x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इज अ रेशनल. चलो 3 को सामने ले जाए तो x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज अ रेशनल. चलो x स्क्वायर को ले जाएंगे तो माइनस 2 रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस x स्क्वायर इज अ रेशनल. चलो माइनस 2x को ले जाए देयरफॉर रूट 3 इज इक्वल टू 2 प्लस x स्क्वायर या तो x स्क्वायर प्लस 2 लिखो तो भी चलेगा अपॉन 2x इज अ रेशनल. बट लास्ट में क्या लिखेंगे बट रूट 3 इज अ इरेशनल. देयरफॉर क्या लिखेंगे लास्ट में तो भाई रूट 3 प्लस 1 इज अ इरेशनल. चलो क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम करते हैं. चलो नेक्स्ट समय कि भाई प्रूव दैट 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल. अब क्या करेंगे ये तो क्या आ गया भाई फ्रैक्शन आ गया. तो सबसे पहले जब भी ऐसे फ्रैक्शन टाइप का सम आए इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे. यानी कि फ्रैक्शन वाला जब भी आए सबसे पहले क्या करोगे ये जो डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइजिंग करोगे. सबसे पहले क्या लेंगे भाई लेट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3. Therefore, x is equal to, चलो denominator को rationalize करते हैं, 9 में आप स्लोप सीख चुके हो, root 5 minus root 3, multiply root 5 plus root 3, upon root 5 plus root 3. Therefore, x is equal to, root 5 plus root 3, upon root 5 square minus root 3 square. चलो, x is equal to, रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 2. चलो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 3. अब रूट 3 को इधर लेकर आ जाए फिर हमारा काम बन जाएगा. देयरफॉर क्या लिखेंगे 2x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू रूट 5 इज क्या लिखेंगे रेशनल. अब इसके बाद में दोनों साइड में क्या करेंगे स्क्वेयर करेंगे. चलो यहां से करते डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो. चलो दोनों साइड में स्क्वेयर करें तो भाई 2x माइनस रूट 3 ब्रैकेट बार स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट 5 ब्रैकेट बार स्क्वेयर इज अ रेशनल. चलो एक्सपेंडेशन करें तो 4x स्क्वेयर फिर 2 टू जा 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इज अ रेशनल. हो गया इसका एक्सपेंडिशन. चलो 3 को ले जाए तो 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज अ रेशनल. चलो 4x स्क्वायर को ले जाए तो माइनस 4 रूट 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 4x स्क्वायर इज अ रेशनल. चलो माइनस 4x को ले जाए तो रूट 3 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 4x इज अ रेशनल. तो इधर क्या लिखेंगे बट रूट 3 इज अ इरेशनल. देयरफॉर क्या लिखेंगे
1 upon root 5 minus root 3 is a irrational. Clear? बोलो ऐसे irrational prove वाले सम कर सकते हो, इसमें दूसरे सम है, but थोड़े समय के बाद देखेंगे, पहले इतने हम लोग clear करेंगे, बाद में हम लोग दूसरे सम करेंगे, बराबर है? चलो हो गया स्टूडेंट, अब जरा अपनी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज इसमें दूसरे है सिंगल डिजिट प्रो करने वाले, बराबर तब प्रो दैट रूट टू इज अ इरेशनल, रूट सेवन इज अ इरेशनल, वो हम लोग कल देखेंगे, बराबर है? क्योंकि पहले ये वाले क्लियर कर लो, बाकी के कल देखेंगे। चलो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.2 निकालो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में कर लेना है, HCM और LCM का सम है, फिर जाते क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो भाई देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, लिख डालो अपनी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में से देखकर। उसके अंदर क्वेश्चन ऐसा है, चलो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई इफ एच सी एफ ब्रैकेट में दो नंबर है 306 657 इज इक्वल टू 9 देन फाइंड एल सी एम 306 657, यानी कि दो नंबर है, एक है 306 दूसरा है 657, दोनों का एच सी एफ कितना है भाई 9, और आपको क्या फाइंड करना है भाई, ये दोनों का एल सी एम फाइंड करना है। यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि भाई एक फॉर्मूला है भाई एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल, ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फॉर्मूला है। तो भाई एच सी एम मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो इक्वेशन के अंदर आपको क्या फाइंड करना है, एल सी एम इधर लिखेंगे, एल सी एम इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन क्या बनेगा भाई एच सी एम। चलो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर आपके पास है 306 मल्टीप्लाई 657 और अपॉन में क्या आएगा भाई 9, 9 से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। चलो 306 को डिवाइड कर देते हैं, 9 3 27, 3 5 9 4 36, 657 को डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर लो दोनों का, तो भाई 657 मल्टीप्लाई 34 चलो कितना आया भाई 2 2 3 3 8। बोलो ऐसे सम कर सकते हो आप लोग, कि भाई सपोज एच सी एफ फाइंड करना होता तो फॉर्मूला क्या बनाते हैं इधर, कि भाई एच सी एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन क्या आ जाता भाई एल सी एफ। क्लियर कर सकते हैं वाला सम, ऐसे दो सम है मेरे पास, वो करते चलो क्वेश्चन लिखते हैं।
quotation है using the fact that using the fact that HCF AB A comma B into LCM A comma B हमारे assignment में 6 नंबर का question है is equal to AB यानि कि अभी हमने जो formula देखा वो HCF multiply LCM is equal to product of two numbers. Find LCM 115 25. चलो स्टूडेंट अभी आपने जो सॉम किया उसके अंदर क्या था HCF रेडीमेड था बराबर इसके ऊपर जो सम किया बट यहां पर एचसीएफ रेडीमेड नहीं है तो सबसे पहले जैसे भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले दोनों का आप लोग एचसीएफ फाइंड करोगे चलो इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं तो भाई 115 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे 23 मल्टीप्लाई 5 चलो फिर दूसरा है 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा भाई 5 आगे कर चुके हैं ना हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ कितना है भाई 5 क्लियर यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो एलसीएम फाइंड करना हो तो पहले एचसीएफ फाइंड करोगे एचसीएफ फाइंड करना हो तो एलसीएम फाइंड करोगे चलो अब आपको क्या फाइंड करना है एलसीएम एलसीएम का फार्मूला रखिए कि भाई एलसीएम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे product of two numbers upon HCF चलो product of two number दो number आपके पास है एक है 115 multiply 25 upon 5 5 से कट कर दो 5 जा इसका multiply कर लो 575 बोलो ऐसे सम कर सकते हो चलो ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे पहले एलसीएम फाइंड करना थे दो नंबर का हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे भाई एचसीएफ फाइंड करेंगे चलो ऐसा ही क्वेश्चन है यूजिंग द फैक्ट दैट एचसीएफ एबी इनटू एलसीएम एबी इज इक्वल टू एबी फाइंड एलसीएम यहां पर दो नंबर ही आपको चेंज करने हैं तो भाई एलसीएम 105 91 क्वेश्चन वही का वही दो नंबर सिर्फ आपको चेंज करने पहले वाला क्वेश्चन कर लो चलो हो गया अब आपको क्या करना है भाई सबसे पहले क्या करेंगे दो नंबर है हमारे पास 105 91 ये दोनों का HCF फाइंड करना पड़ेगा पहले 105 क्या आएगा 3 multiply 7 multiply 5 चलो 91 तो 7 multiply 30 होगा चलो इसका HCF फाइंड कर भाई HCF is equal to क्या लिखे अरे सॉरी HCF is equal to दोनों में से कॉमन कौन है ओनली 7 चलो हमें क्या फाइंड करना है इनका LCM तो LCM is equal to product of two numbers upon क्या लिखेंगे भाई HCF चलो product of two numbers 105 multiply 91 upon 7 7 में से दोनों कट हो सकते हैं 7 13 जा चलो इनका मल्टीप्लाई कर ले 105 multiply 30 1050
1, 3, 6, 5 बोले से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सारे सम आपको आने चाहिए, क्लियर।